इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। जो चाहो बोल दोगे और पुलिस उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेगी। आप कानून पर भरोसा जता रहे हैं और कानून की नाइंसाफी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अरे भगवान, उसी की तो काट ढूंढनी है हमें, उसी की काट ढूंढनी है। देखिए 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 भाई जी, मेरी बात मानिए। देखिए, इस जिले से रितिका का ट्रांसफर कराने के लिए आप जो कर सकते थे कर चुके हैं। कुछ हुआ नहीं ना। अरे कह रहा हूँ भाई जी, कई बार रिश्ते काम बनाते नहीं है, उल्टा बिगाड़ देते हैं। ए भैया, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। और कितना साफ करके बताऊं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितने ताल्लुकात लगा सकते थे, जितने रिश्ता लगा सकते थे, आपने कर लिया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। कई बार रिश्तों से काम नहीं चलता भाई जी, कई बार मामले जो है सौदेबाजी से हल होते हैं। हाँ, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 10 दिनों के अंदर अंदर रितिका का ट्रांसफर करा के ना दिखा दिया ना, तो मेरा भी नाम सुंदर नहीं। आबा हाँ, लेकिन इसके लिए मैं तो आपसे कह चुका हूं ना कि दौलत में बड़ी ताकत होती है, सिर्फ 10 करोड़ हो जाएगा उसका ट्रांसफर। हमको मंजूर है सुंदर, रितिका का इस जिले से किसी भी तरह ट्रांसफर हो जाना चाहिए। हाँ भाई जी बिल्कुल, दोस्ती में काम हो ना हो, लेकिन सौदेबाजी में काम हो जाते हैं। ए सुंदर, तुम्हारा पेट ना ही भरता है क्या भैया, सौदा सौदा सौदा। ए डाली, वो भारी वाला बक्सा दिखाओ इनको। जी, जब देखो पैसा पैसा पैसा, दिखाओ दिखाओ। इसकी क्या जरूरत है, आप शर्मिंदा कर। ये है रितिका के ट्रांसफर की कीमत, समझ रहे हो ना। हाँ भाई जी, और मैं भी आपको समझा दूं कि 10 दिनों के अंदर अंदर मैं उस रितिका का ट्रांसफर करवा के रहूंगा और उस कलेक्टर साहिबा का ऐसी जगह ट्रांसफर कराऊंगा ना कि सारी जिंदगी खाक कलेक्ट करती रह जाएगी। तो भाई जी मैं चलूं? हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ, कहती थी ज्यादा देर तक वजन मत उठाया करना बेटा। गिरफ्तारी का वारंट निकला है, इसका मतलब भैया गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं, भाभी भैया को गिरफ्तार नहीं होने देगी, पर आखिर भाभी कर भी क्या सकती है, वो वारंट वापस तो नहीं ले सकती ना। हेलो, हेलो, कहाँ हो साक्षी? रोहित, मैं घर पे हूँ। तुम्हें पता है भैया की गिरफ्तारी का वारंट निकला है? मुझे पता है,
अभी थोड़ी देर पहले मेरे पापा और तुम्हारे बड़े पापा के बीच बात हुई है। साक्षी तुम्हें पता है अब तो हमारी शादी भी रद्द हो चुकी है। शायद यही नसीब है। क्या? हाँ रोहित, अगर ऐसा नहीं होता तो मुसीबतें क्यों खड़ी होती? अब तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल है कि भैया कैसे बचेंगे। हाँ साक्षी, इसी बात ने सबको उलझा रखा है। और पापा ने तो कोशिश भी की थी कि माना जीजू को एंटी सेपरेटरी बेल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सबको पता है रोहित कि इस साजिश के पीछे गुलशन शाह का हाथ है, लेकिन ये जानते हुए भी गुलशन शाह पर कोई हाथ नहीं डाल पा रहा है। साक्षी, बिना सबूत के कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। जिस तरह से गुलशन शाह ने मानस जीजू को फंसाया है, उनके बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। गुलशन शाह को पता है कि भाभी के पास पावर होते हुए भी वो अपने पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी। गुलशन शाह को पता है कि भाभी के पास पावर होते हुए भी वो अपने पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी। बस इसी बात का तो वो फायदा उठा रहा है। ऐसा ही होता है साक्षी, जो फर्ज और कानून के साथ चलते हैं वो कानून के दायरे में ही सिमट के रह जाते हैं, और कानून का मजाक उड़ाने वाले इसी तरह कानून से खेलते हैं, और उनके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। हकीकत सबको पता है रोहित, और अगर भाभी चाहे ना तो गुलशन शाह जैसे आदमी का पर्दाफाश एक सेकंड में हो जाए। ठीक कहा तुमने साक्षी, दीदी को फर्ज और कानून की जंजीरों ने बांध रखा है। रोहित, अगर मैं भाभी की जगह होती ना तो गुलशन शाह की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी कर लेती। दीदी भी कुछ ना कुछ करेंगी, तुम यकीन रखो साक्षी। गुलशन शाह को जवाब दीदी हर हालत में देंगी और जरूर देंगी। ओके, मैं रखती हूँ। ओके साक्षी, चलो बाय। पता नहीं लोग अपने आप को क्या समझते हैं। कुछ भी करेंगे, कानून से खेलने की कोशिश करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। हमें चैलेंज पर चैलेंज दिया जा रहा है, लेकिन दिव्या हमारी भी मजबूरी है ना, हम कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। जी मैडम, यही तो हमारी मजबूरी है। नहीं दिव्या, अब बहुत हो चुका। मैं इतनी भी मजबूर नहीं हूं। मैंने आज तक हर समस्या को शांति से सुलझाने की कोशिश की तो उनको लगता है कि कानून अंधा है। मैंने उनके रुतबे को सम्मान देने की कोशिश की तो उनको लगता है कि हम गूंगे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। उनको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, और वो भी कानून के तरीके से मिलेगा। लेकिन कैसे मैडम? एक काम करो दिव्या, आप सारे डिपार्टमेंट को अलर्ट करो, हमारी तरफ से फैक्स करो कि हमें किसी भी हालत में गुलशन शाह से जुड़ी हर जानकारी चाहिए। हर जानकारी, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहां कहां है, वो प्रॉपर्टी किस तरह से उसने खरीदी, कहां से वो पैसे आए, वो सारी जानकारी हमें चाहिए। और हाँ, उसके बैंक अकाउंट्स की भी जानकारी हमें चाहिए। अगर आपको कहीं से भी जानकारी नहीं मिल रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानकारी हासिल कीजिए। अब मैं दिखाती हूँ इस गुलशन शाह को, कानून का मजाक उड़ाया है ना उसने, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, अच्छा सबक सिखाऊंगी। देवेंद्र, आप एक काम करिए, एसडीएम राजेश्वर को फोन लगाइए। यस मैडम।
रितिका बोल रही हूँ। जी फरमाइए। अच्छा मुझे ये जानना था कि आपकी तहसील में गुलशन शाह की कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब कानूनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे जितनी भी प्रॉपर्टी है मुझे उसकी पूरी पूरी जानकारी चाहिए। अच्छा तो कानून की आड़ लेकर एक ऐसा फंदा बनाया जा रहा है जिसमें लोगों को फंसाया जा सके। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप कर रही हैं क्या वो उचित है? क्या क्या कहा आपने? क्या मैं गलत कह रहा हूँ मोहतरमा कलेक्टर साहिबा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सवाल आपने मुझसे किस हैसियत से किया, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है एक एसडीएम की हैसियत से आप ये सवाल मुझसे नहीं कर सकते हैं। माना कि आप इस शहर की सबसे ऊंची और ताकतवर शख्सियत हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी हक नहीं, आपको भी नहीं। इसलिए मैं ये सवाल पूछने पर मजबूर हुआ हूं कि पुलिस स्टेशन जाकर जो आपने पुलिस को आदेश दिए हैं कि शमशेर पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके उससे कुछ भी उल्टा सीधा उगलवा लो, क्या ये बात आपको शोभा देती है? देखिए फिलहाल मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। आप जवाब दीजिए या ना दीजिए ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचती हैं कि इस गलत कदम में मैं आपका साथ दूंगा तो मेरा जवाब है मोहतरमा हरगिज नहीं। आपके घरेलू मामलों में आपको बचाने के लिए अगर आप फिर ऐसा सोचती हैं कि मैं कानून का दायरा लांघकर आपका साथ दूंगा तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मोहतरमा कलेक्टर साहिबा, मैं आपका साथ हरगिज 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 नहीं दूंगा। I'm sorry। मैंने आपसे मदद की गुजारिश नहीं की है, ये मेरा ऑर्डर है, समझ गए आप? वैसे भी मुझे आप जैसे लोगों से मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, अपने दुश्मनों के साथ अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी, उसमें मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आप देखते रहिए, जो लोग कानून का मजाक उड़ाते हैं ना उनको आप आराम से देखते रहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं, जो भी कानून का मजाक उड़ाएगा ना उसे मैं सजा तो जरूर दिलाऊंगी, और ये मेरी प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा मैंने अपने आप के लिए की है, मैं इसे तोड़ूंगी नहीं, हर हाल में नहीं तोड़ूंगी, समझ गए आप? बिल्ली खिसियाकर खंबा नोच रही है, नोचो, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचती हैं कि इस गलत कदम में मैं आपका साथ दूंगा तो मेरा जवाब है मोहतरमा हरगिज नहीं। शमशेर पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए जो ऑर्डर रितिका ने दिया है अच्छा नहीं किया, ऐसा करके खुद पर उंगली उठाने का मौका दिया है उसने, खुद को बदनाम करने की वो। अरे शमशेर से अगर सच उगलवाने के लिए उसने ये ऑर्डर दिया तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि उसके पास सच उगलवाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है? शारदा रास्ता हो या ना हो लेकिन एक कलेक्टर को अपने ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। उसने जो ये ऑर्डर दिया है ना अपने दायरे को लांघकर, अरे खुद को नीचे गिराने का काम किया है उसने, अपने ओहदे से गिराने का काम किया है और कुछ नहीं। झूठ बोलकर लोग जब कानून को धोखा देते हैं तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पापा? डोंट किस किस की जबान बंद करोगे आप भाई जी? स्नेहा। हाँ दीदी। आखिर ये तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी वही करे जो भाई जी करना चाहे, और ये
ये भी तो जरूरी नहीं कि हर बात सच्ची हो, हर बात अच्छी हो। रोहित ठीक ही तो कह रहा है, आखिर रितिका के पास रास्ता क्या बचा था? तुम नहीं समझोगी स्नेहा, रितिका के ऑर्डर से सच्चाई सामने आए या ना आए, लेकिन बदनामी का तमाशा जरूर पड़ेगा उसके चेहरे पर। काश काश तुम लोग भी ये देख पाते जो मैं देख रहा हूं। क्या लगता है तुम लोगों को कि ऐसे ऑर्डर्स को पास करके रितिका मानस को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर दीदी के ऑर्डर के बाद पुलिस शमशेर से सच्चाई उगलवा लेती है कि उसने गुलशन के कहने पर मानस के खिलाफ बयान दिया था, तो सारा मामला खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अरे कुछ सामने नहीं आएगा। तुम लोगों को पता है कि रितिका के इस ऑर्डर पर लोग क्या कह रहे हैं? अरे चर्चा हो रही हर जगह पर कि रितिका ने अपने पावर का इस्तेमाल किया ताकि शमशेर अपना बयान बदल दे ताकि वो अपने पति को बचा सके। चल फर्ज कर लो कि शमशेर अपना बयान बदल भी देता है, सच्चाई बोल भी देता है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि रितिका ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करवाया और शमशेर ने अपना बयान बदल दिया। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कैसे बयानों को अदालत खारिज कर देती है, नहीं मानती। हे भगवान, क्या होने वाला है? क्या होगा मेरी बच्ची का? उसकी जिंदगी में इतनी दुश्वारियां क्यों हैं? क्या होगा मेरी रितिका की जिंदगी का? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। आज तो सिर्फ आंसू बह रहे हैं आप। कल अपनी बेटी की जिंदगी पर खून के आंसू रोना पड़ेगा आपको। चेची, लग ही नहीं रहा। चेची, मानस अगर गिरफ्तार हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, पता नहीं है वो है तो है कहाँ, और उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। नहीं जेजी, मानस गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता तो हमें पता चल जाता ना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मानस को ये पता चल गया हो कि उसके अरेस्ट वारंट निकल गए, इसलिए वो कहीं छुप गया ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना ले। नहीं बोले पापा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो छुपता क्यों फिरूं मैं? लेकिन बेटा तुम थे कहां? हम इतने परेशान हो गए थे। एडवोकेट रावत के पास गया था मैं। मुझे पता है मेरी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है। तो क्या कहा एडवोकेट रावत ने? अग्रिम जमानत की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अब इस गिरफ्तारी को रोकने का क्या रास्ता है? वो तुम्हारी रितिका क्या कर रही है? क्या वो तुम्हें जेल जाते देखना चाहती है?
माँ उसे जो करना चाहिए वो कर रही है। वो कानून तो नहीं बदल सकती ना। तुमने क्या सोचा है बेटा? सोचना क्या है बड़े पापा, भागूंगा तो हरगिज नहीं। देखो बेटा, किसी भी हालत में तुम्हें पुलिस के हाथ नहीं आना है। माँ ये आप क्या कह रही हैं? भागने का मतलब ये होगा खुद को मुजरिम साबित करना। जो दुनिया के सामने आना था वो आ चुका। तुम्हें कानून से बाहर ही रहना होगा, क्योंकि एक बार अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो तुम्हें मुजरिम साबित कर देंगे। देखो बेटा, तुम्हें तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है और तुम्हें इस जाल से बचना होगा। लेकिन मैं कब तक भागता फिरूंगा? एक ना एक दिन कानून के सामने मुझे आना ही होगा। मैंने सोचा था कि मैं बेगुनाह हूं, कानून की आंखों में आंखें डालकर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। नहीं बेटा, ऐसी हालत में कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। तुम्हें मेरी कसम है माँ, जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तुम्हें अपने आप को कानून से बचाकर रखना होगा। देखो मानस, तुम्हें जिद और जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करना है। मेरी मानो, कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ।